साउथ एशिया का एक ऐसा देश जो हिमालय के गोद में बसा एक छोटा प्राकृतिक सौंदर्य से भरा एक अनोखा देश है। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। जी हाँ दोस्त, आज भूटान देश के बारे में कुछ जानकारियाँ देने जा रहे हैं। भूटान की राजधानी की बात करें तो थिम्पू है, और यहाँ की करेंसी भूटानी नगलुत्रुम है। अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो लगभग सेम होता है, यानी एक रुपया बराबर एक भूटानी नगलुत्रुम होता है। अब यहाँ पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 9 लाख है, और यहाँ 22.6% आबादी हिंदू की है। भूटान में 8 राज्य हैं। भूटान में ज़्यादातर आबादी बौद्ध धर्म का है। भूटान के संविधान के द्वारा बौद्ध धर्म देश है, और बौद्ध धर्म देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और भूटान में सबसे लंबी नदी की बात करें तो मानस नदी है। इस नदी का पौराणिक कथाओं में सांप भगवान मनसा के नाम पर रखा गया है। और भूटान की सबसे ऊंची पर्वत गंगखर पुनसुम है, जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है, क्योंकि वहां की सरकार के नियम के विरुद्ध है। वहां लगभग 6 किलोमीटर की ऊंचाई वाली चोटियों पर भी चढ़ने की इजाजत नहीं है। यहां 100% लोग में से 90% लोग कृषि पर निर्भर होते हैं। तो दोस्तों, अब भूटान में घूमने और आकर्षक जगह में तख्तांग मठ पारो की घाटी में से 3000 फीट ऊपर एक चट्टान के किनारे पर बैठे टेकट संग मठ भूटान में सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, तथा क्योंकू लहाखांग हिमालयी साम्राज्य के सबसे पुराने मंदिरों में से एक काइचू लहाखांग पारो में सबसे ज़्यादा घूमने वाले आकर्षक जगह है। अब भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ 699 किलोमीटर लगती है, और भारत के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा भूटान से लगती है। भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भारत, चीन और तिब्बत से लगती है। भूटान का संविधान यह कहता है कि देश में 60% जंगल रहना चाहिए। हैरान करने वाली बात यह है कि 100 स्वयंसेवकों की टीम
भूटान में सिर्फ एक घंटे में 49,672 पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। भूटान के पास नौसेना या वायुसेना नहीं है, यह वायु समर्थक के लिए भारत पर निर्भर है। भूटान में प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगा है, लोग कागज से बने बैग का इस्तेमाल करते हैं। भूटान को दुनिया में सबसे खुशहाल देश का नाम दिया जाता है। भूटान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां तंबाकू की बिक्री पर रोक लगा है। भूटान का राष्ट्रीय पशु टैकिन है, जो बकरी और हिरन के ही तरह दिखती है। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी और डार्टस है। भूटान ने सदियों तक विदेशों से संबंध नहीं बनाया। सन 1970 ईस्वी में किसी विदेशी पर्यटकों को प्रवेश करने की इजाजत दी। भूटान में ज्योग्राफिकली बहुत ज़्यादा पहाड़ है, इसलिए पहाड़ों से बादल टकराते रहता है, इसलिए इसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं। और जहाँ पहाड़ होते हैं वहाँ ठंड होती है, और वहाँ के लोग गोरे और पतले चमड़े वाले होते हैं। भूटान में तीन सबसे बड़े प्रमुख बिजली परियोजना है, पहला ताला परियोजना, दूसरा चूखा परियोजना और तीसरा दुगाचू परियोजना है। भूटान की कुल क्षेत्रफल 47,000 स्क्वायर किलोमीटर है, पूरे दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से 131वां स्थान है। जिस तरह भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशी है, उसी तरह भूटान की सांस्कृतिक राजधानी पारो है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि भूटान में सभी आदमियों का जन्मदिन समान मनाया जाता है, और हर नए साल में सभी अपना जन्मदिन मनाते हैं। भूटान का धरातल विश्व के सबसे उभर खाबर धरातलों में से एक है। 100 किलोमीटर की दूरी के बीच में 150 से 7,000 मीटर की ऊंचाई पाई जाती है। भूटान पहले इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा मालदीव से आने वाले लोगों से कोई टैक्स नहीं लेता था, लेकिन अब लेना शुरू कर दिया है। थिम्पू भूटान का सबसे बड़ा शहर है, और थिम्पू पहले थिम्बू के नाम से जाना जाता था। हैरत की बात यह है कि भूटान में ट्रैफिक लाइट नहीं है, इसलिए सभी धीरे धीरे ड्राइव करते हैं। भूटान में बहुत सख्त कानून है, और शिकार यहाँ अपराध है। यदि कोई पकड़ा गया तो उसे कम से कम 15 साल की सजा दी जाती है। भूटान दुनिया का प्रमुख पर्यटक आकर्षक स्थल है, जिसे 2014 में 1,34,000 पर्यटक स्थल मिले। भूटान का आधा जनसंख्या 17 वर्ष से कम उम्र वालों की ही है। भूटान खूबसूरत देश है, बट दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। भूटान एक ऐसा देश जो 2001 से पहले इंटरनेट और टीवी की व्यवस्था नहीं थी। भूटान एक ऐसा देश है जो विवाह होने के बाद
पति को ही अपना घर छोड़कर पत्नी के साथ जाना पड़ता है।